अभी सर की ईमेल आई थी कि जो फर्स्ट डोज वाले हैं उनको भी अलाउ नहीं करें, तो नेक्स्ट टाइम से ना थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जब तक दोनों डोज नहीं हो जाती और दोनों डोज होने के भी 1 वीक के बाद अलाउ करें सबको, लेट तो हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि आप लोगों ने कंपलसरी लगाना है और दोनों डोज के बाद ही क्लास में अलाउ करना है। ठीक है, तो मैं ईमेल सर्कुलेट कर दूंगी सबको कि जो एक डोज वाले हैं वो भी अभी मत आए, तो दोनों डोज कंप्लीट करके 1 वीक करके उसके बाद आए। एक डोज है, मैं तो वैसे अलाउ कर ही देती हूँ तुम सबको, कैसे पता चलेगा। हमें तो उन्होंने कहा ना कंपल्सरी क्या हुआ क्लास में अलाउ करेंगे, वही हम लोग भी फर्स्ट डोज वाले ही हैं तो। लेकिन सर कह रहे हैं कि आप दोनों डोज लगवाएं फिर अलाउ करें। मेरी भी एक डोज लगी तो बस यही है, मेरा तो यकीन था ना तुम लोगों को कुछ हुआ है रद्द करवा के। प्रॉब्लम मैंने 4 दिन हो गए जा पानी है, अब तक लगा मेरे को सर दर्द नहीं ठीक हो रहा, पता नहीं ये वैक्सीनेशन से है क्या। क्या यस मैम, ये स्लो पॉइजन है। चीज है ये प्रॉब्लम, पता स्लो नहीं मेरे पॉइजन मेरे है। साथ है या साइनोवैक का है। मुझे तो साइनोवैक लगी, साइनोफार्म का कह रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को भी। साइनोफार्म में दिया ना आपने, साइनोवैक लगी है किसी को? पहली डोज और लगवाई है और दूसरी डोज और लगवाई है तुमने? हुई थी खराब? पहले दिन तो थोड़ी बहुत तो हुई थी, वो जो सर दर्द और बाजू में दर्द। मुझे तो जिस दिन से लगी है उस दिन से मेरा सर दर्द ही नहीं ठीक हो रहा है, उनका पता नहीं क्या है। मैम सुना है बंदा आहिस्ता आहिस्ता मरता है। फर्स्ट डोज का मुझे तो कोई मसला नहीं था, मैं तो अलाउ कर रही हूँ सबको। लेकिन जो है ना हमारे सर जो है उन्होंने ईमेल की है तो मैंने उसी पे बात करी। पहले तो मैंने इसी के सबको अलाउ किया था, एटलीस्ट फर्स्ट डोज वाले आए। तो कह रहे कि चलो अभी देखो जो आ सकते हो तो आ जाए, मैं तो भी अलाउ कर रही हूँ। कम है ना स्टूडेंट्स तो चलो SOPs को हम फॉलो कर सकते हैं, ज्यादा होगा तो फिर मसला होगा। तो और ऐसा भी कोई है जिसने अभी डोज ही नहीं कोई लगवाई? सबने एक डोज लगवा ली है ना? नहीं चलो ये मैम, तुमने क्या कौन है ये क्यों नहीं लगवाई है? यूनिवर्सिटी नहीं वापस आना? मैम आज जाना है, कल गए थे, उन्होंने कहा कल वापस आना है। लगवा लो, आपको पता है पोर्टल भी आप लोगों का बंद कर रहे हैं जिनकी वैक्सीनेशंस नहीं है। तो इससे पहले ये ना हो कि आपको एग्जाम ना देने दे और एग्जाम में बैठने ना दे, फिर मसले आने हैं तो फिर टाइम आ जाना है। एक डोज लगवाओगे फिर 28 डेज का टाइम आ जाना है, एग्जाम्स में मसला होना है, इसलिए दोनों डोज टाइमली लगवाओ। अच्छा, स्टार्ट करिए। आज का हमारा टॉपिक है बिलरी सिस्टम, फ्लोरोस्कोपी की प्रोसीजर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्लोरोस्कोपी हम लोगों ने कौन कौन से प्रोसीजर्स पढ़ लिए हैं? गायनी का पढ़ लिया और जीआई ट्रैक पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके अंदर अपर जीआई वेरियम मी स्टमक के लिए वेरियम फॉलो थ्रू फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए वेरियम मी। ठीक है, ये हम लोगों ने जीआई ट्रैक के कर लिए। तो उसके बाद हमने प्रोडक्टिव के वो किए। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? यूरिनरी सिस्टम का उसके अंदर जो थे उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन यूरोग्राफी IVU। ठीक है, उसके अंदर हम लोग इंजेक्ट करते थे कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, जो हम लोग बेरियम की स्टडीज जिसके अंदर हम जीआई ट्रैक पढ़ रहे थे पूरे, उसके अंदर हम पेशेंट को पिला रहे थे। ठीक, या थ्रू रेक्टम जो थे हम लोग इंसर्ट करते थे बेरियम को और उसको हम विजुलाइज करते थे। इसके अंदर जो एक्सक्रीशन यूरोग्राफी था उसके अंदर मीडियल एंटीक्यूबिटल जो वेन है इसके अंदर हम लोग इंजेक्ट करते थे कॉन्ट्रास्ट, जो यूरिनरी ट्रैक को पूरे को हाईलाइट करता था। और फॉर टाइम हम लोग उसके थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसके स्पॉट फिल्म लेते होते थे, इमेजेस लेते थे अंडर फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर। तो वो हमें आफ्टर सम टाइम यहाँ तक पहुंच गया, कॉन्ट्रास्ट इस जगह को हाईलाइट कर लिया। फिर हमने पोस्ट मेच्योरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर पोस्ट मेच्योरेशन भी देखनी, उसका वॉल्यूम देखना जरूरी होता है। ठीक है, वो सारी चीजें हमने लास्ट टाइम।
आज जो टॉपिक है ये भी एक फ्लोरोस्कोपी के प्रोसीजर है, इसके अंदर भी हमने क्या करना है, एक्सरे ही है ये, एक्सरे इमेजिंग है, लेकिन इसका डिलीवरी सिस्टम का। अब हमने एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं, उसके अंदर हमें लिवर भी बड़ी मुश्किल से, लिवर ही नजर नहीं आता, तो आगे हमें डिलीवरी सिस्टम कैसे नजर आएगा। तो मुझे डिलीवरी सिस्टम थोड़ा ड्रॉ कर सकता है ना, यहाँ पे कैसे उसका है, ये लिवर है हमारा, ठीक है। लिवर के दो सेगमेंट्स, एक राइट साइड एक लेफ्ट, दो लोग होते हैं और एक सेगमेंट होते हैं, ठीक है। पीएम ने अपना संवर्धन से पढ़ा हो, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारा कौन सा हो गया, लेफ्ट लोब, और ये हमारा दोनों लोग सेंटर से डिवाइड करते हैं, ठीक। और दोनों लोग के दरमियान यहाँ पे हमारे पास से अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा डिटेल इमेजिंग चले जाओ, सीटी एमआरआई तो आपको पता ही है, सीटी या एमआरआई। और कॉन्ट्रास्ट के अंदर भी हमारे पास दो या तीन टाइप की जो है वो स्टडीज होती हैं। उसके अंदर एक हमारे पास आ गई, ये जो हम लोग आज पढ़ेंगे उसमें दो टाइप की, एक परकुटेनियस होती है कॉन्ट्रास्ट, जो कि हम लोगों ने थ्रू स्किन जो है इंजेक्ट करना होता है, बिल्वरी सिस्टम। बिल्वरी सिस्टम समझ आ गया, लिवर के ऊपर, यहाँ स्किन के ऊपर हम लोग रखते हुए नीडल को जो है इंसर्ट करेंगे बाइल के अंदर, पूरी डक्ट के अंदर सीधा वहीं पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे कॉन्ट्रास्ट को, और इमेज उसका ले रही होता है। एक होता है ईआरसीपी का, शायद आप लोगों ने प्रोसीजर पे ही देखा हो या पढ़ा, देखा हो क्या होता है, क्या करते हैं प्रोसीजर, कैसे करते हैं उसमें, ईआरसीपी का क्या एप्लीकेशन है, एंडोस्कोपिक होता है, ठीक है। रिट्रोग्रेड एनजीओ पैंक्रियाटोग्राफ, एनजीओ एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफ, ठीक है। इसके अंदर आप पैंक्रियाटिक डक्ट भी देखते हो, उसके अंदर ये पूरा बिल्वरी सिस्टम देखते हो, लेकिन थ्रू एंडोस्कोप, ठीक है। उसमें क्या होता है, इन्वेसिव थोड़ा सा है पेशेंट का भी उसमें, और ये क्या है, नॉट ओनली डायग्नोस्टिक, ये थेरापूटिक भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंडोस्कोप डालते हैं, ठीक है। आपको पता है एंडोस्कोप क्या करता है, आपके सामने वो लगा होता है कैमरा, कैमरा ही है ना एंडोस्कोपी, आपको अंदर से इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको दिखा रहा होता है, इस तरह दिखा रहा होता है जिसमें बाकी एक कैमरा होता है, ठीक है। वो कैमरा इंसर्ट करते हैं हम लोग पूरे उसके थ्रू एसोफेगस को जाता है, जाके जो है हमारे हम लोगों ने बाइल के, और अगर कोई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, मीन्स कोई स्टोन है, उसको हम लोग थेरापूटिकली रिमूव भी कर सकते हैं।
सो दिस टेस्ट इज नॉट ओनली डायग्नोस्टिक बट थेरापेटिक एज वेल, ठीक है, इसमें हम लोग जो भी प्रॉब्लम हो उसको भी वो करते हैं। अच्छा चलो अब वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इमेजिंग टेक्निक्स हमारे पास पहले आ गई प्लेन रेडियोग्राफ। अब प्लेन रेडियोग्राफ एक्सरेज हैं, अब इसके अंदर फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर नहीं है कोई भी, या इसके अंदर कोई बेरियम नहीं है, सिंपल एक्सरे हैं एब्डोमेन के, प्लेन एक्सरे हैं एब्डोमेन के। क्या इसके ऊपर हम लोग कुछ डायग्नोज कर सकेंगे बिलरी का? नहीं, अगर कोई पैथोलॉजी है, कोई कौन सी ऐसी पैथोलॉजी है जो प्लेन एक्सरे पे नजर आ सकती है? स्टोन, ठीक है, स्टोन, ठीक है, स्टोन्स हमें पता है कहीं पे भी होंगे ना वो हमारे एक्सरेज के ऊपर भी बहुत अच्छे से नजर आएंगे। एक्सरेज हमें दिखाता ही हमारे हार्ट से जो बोन्स वगैरह या कोई भी हार्ट, कोई फॉरन किसी को कोई बुलेट वगैरह भी लगी है ना तो वो भी एक्सरे के ऊपर बड़ी क्लियर नजर आती है। अब ये नहीं पता कि बुलेट है कहाँ पे, ठीक है, वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर हमें इतने क्लियर नजर नहीं आएंगे जितना वो हमारे पास मेटालिक ऑब्जेक्ट है वो एक्सरे के ऊपर नजर आता है। हार्ट चीज एक्सरे पे बहुत अच्छे नजर आती है, ठीक है। तो प्लेन रेडियोग्राफ के ऊपर हम लोगों को स्टोन्स अच्छे से नजर आ सकते हैं, बस पड़े हुए छोटे छोटे से स्टोन्स। अब ये नहीं पता कि वो वाकई गॉलब्लैडर में कि नहीं, वो इस साइड पे हमें व्हाइट स्टोन्स नजर आएंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा अल्ट्रासाउंड सबसे इजी है, इस पर हम लोग डायग्नोज भी गॉलब्लैडर की काफी डिजीजेस डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है, और खासतौर पर गॉलब्लैडर की। अब अगर कोई सीबीडी के अंदर या कोई उसके अंदर हम लोग स्टोन्स वगैरह को डायग्नोज तो कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई स्टोन पड़ा हुआ है, बट थेरापिटिकली हम लोग उसको नहीं देख सकते, ठीक है। देन हमारे पास डिटेल इमेजिंग फॉर द ट्यूमर्स, ठीक है, ट्यूमर्स वगैरह को देखने के लिए सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, डिटेल इमेजिंग जो कि सॉफ्ट टिश्यूज के लिए की जाती है, देन रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग, ये किस लिए होता है? न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन का है हमारे पास जो रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक रेडियो आइसोटोप जो है पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है ना उससे गैमा कैमरा ऊपर लगा होता है, और गैमा आपने न्यूक्लियर मेडिसिन तो नहीं अभी पढ़ी होगी, पढ़े कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो न्यूक्लियर मेडिसिन तो आपको फिर समझ आ गई होगी कि किस तरह हम रेडियो आइसोटोप जो इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर। आपको प्रोटोकॉल्स पढ़ा रहे हो, प्रोटोकॉल्स इसके प्रोसीजर सारे किए, मक्का स्कैन ये वो, ठीक है, उनसे कहना अगर नहीं पढ़ाते तो जरूर सारे, यही तो आपके ये इम्पोर्टेंट वो है प्रोसीजर सारे कि हार्ट के लिए कौन सा रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन करते हैं, ठीक है, उसको, ठीक है, उसको मक्का स्कैन कहते हैं, मक्का स्कैन पढ़ लिया, ठीक है, मक्का स्कैन हो गया, ठीक है, डिफरेंट है, बोन स्कैन है जो ओवरऑल पूरे बॉडी का जब मैक्स वगैरह हमारी बॉडी में बोन्स के अंदर चले जाते हैं तो उसके लिए बोन स्कैन किया जाता है, उसके अंदर कौन सा रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं फिर स्कैन किया जाता है। आप लोगों ने रेडियो आइसोटोप्स के नाम जिस तरह ये बेरियम के प्रोसीजर है ना, इसके अंदर हम बेरियम याद करते हैं कि कौन सा बेरियम इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट है, तो हर स्कैन का डिफरेंट है रेडियो आइसोटोप, ठीक है, टेक्नीशियन हो गया, इस तरह डिफरेंट हमारे पास जो है ना रेडियो आइसोटोप्स है वो डिफरेंट प्रोसीजर के लिए, हार्ट के लिए कोई है, इसी तरह वहां पे बोन स्कैन के लिए कोई है, थायराइड के लिए कोई और है, आयोडीन जो है वो इस तरह, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास, इस तरह आपने याद करना है उनको कि कौन सा फार्मास्यूटिकल जो है वो किस प्रोसीजर के लिए यूज हो रहा है, किस हम लोग उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, और हर इसका टाइम भी डिफरेंट होगा कि इतने टाइम के बाद करना है, इतना वो इतना, बेसिकली क्या कर रहा है रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग, हमारी फंक्शनल इमेजिंग होती है जिसके अंदर हम फंक्शन देख सकते हैं सेल्स का, ठीक, तो वो भी एक इमेजिंग टेक्निक है। इसके अंदर भी अगर बाइल का अगर पढ़ोगे ना स्टडी वो भी एक इमेजिंग है इसके अंदर, तो हम लोग ये भी एक टेक्निक यूज कर सकते हैं रेडियो न्यूक्लाइड बाय इंजेक्टिंग रेडियो आइसोटोप, ठीक है। अच्छा अब आज जो स्पेसिफिक हम लोग बिलरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, नंबर वन इज द ये नेम से आपको समझ आती जाएगी कि क्या क्या टेक्निक है। नंबर वन इज द ओरल कॉलीसिस्टोग्राफी। अब ओरल सिस्टोग्राफी मतलब ओरली आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको डाई इंजेक्ट कर रहे हो, इसमें बेरियम के अंदर था, ठीक है। फिर इंट्रावेनस कोलेंजियोग्राफी थ्रू वेन जो है हम इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, दिस इज अनदर टेक्निक। फिर हमारे पास परकुटेनियस कोलेंजियोग्राफी जो कि मैंने अभी बताया, स्किन के ऊपर बिल्कुल हम एग्जैक्टली वहां चले जाते हैं जहां पे हमारा बिलबरी सिस्टम है और वहां पे हम डायरेक्ट डक्ट के अंदर इंजेक्ट करेंगे वेन के अंदर। अब वो वेन के अंदर थ्रू वेन हमारे पास सारे ट्रैवल करती हुई आएगी और इस तरह ये डायरेक्ट हम डक्ट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। देन ये वो ERCP जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, इतना बड़ा नाम है, ठीक है, ERCP, ठीक। और एक है ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, थ्रू ऑपरेशन जो है वो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं टेक्निक को, अगर कोई ऑपरेट हुआ है
ठीक है। तो ये सारी जो है ना इमेजिंग टेक्निक, ये सारी बिलरी की है टेक्निक जो कि हम लोग इसको तीन चार को तो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये इमेजेस हैं, कुछ जल्दी जल्दी मुझे बताते हैं जो, व्हाट इज दिस, ये किस चीज का इमेज है और क्या बता रहा है? अभी हमने पीछे जो लिस्ट पढ़ी थी ना वही है सारे इमेजेस। नंबर वन वॉज द प्लेन रेडियोग्राफ, ठीक है, ये सिंपल एक्सरे है और कुछ भी नहीं, आपको कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है। अगर आप उसके राइट साइड पे देखो तो आपको छोटे छोटे व्हाइट कलर के वो ये कुछ नजर आ रहे हैं, ठीक है। कितने ज्यादा स्टोन्स है, गॉल ब्लैडर पूरा फुल हुआ हुआ है स्टोन्स के साथ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये गॉल ब्लैडर ही है या कोई सॉफ्ट टिश्यूज की है, कुछ पाउच तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर हार्ड हमें स्टोन्स नजर आ रहे हैं। दैट डेमोन्स्ट्रेट कि हमारे पास यहाँ पे जो है कंफर्म स्टोन्स है और यहाँ पे हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है, गॉल ब्लैडर होता है। तो प्लेन रेडियोग्राफ के ऊपर हम लोग सिर्फ यही डायग्नोज कर सकते हैं एक्सरे के। व्हाट इज दिस एक्सरेज? गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड के अंदर ये शेडो नजर आ रहा है आपको? शेडो होगा यहाँ पे स्टोन, और ये देख रहे हैं यहाँ पे नैरोइंग सी हुई हुई है, ये ऊपर से आके नेक के अंदर यहाँ पे नैरोइंग हुई हुई है। स्टोन इतना क्लियर व्हाइट नजर नहीं आ रहा, बट हमें पता है कि यहाँ नैरो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है और वहां पे पोस्टीरियर हमारे पास शेडो है। फिर से मैं पूछ रही हूँ कि अगर किडनी के अंदर कोई स्मॉल स्टोन है दैट कैन नॉट बी विजुलाइज ऑन अल्ट्रासाउंड, उसके लिए हम क्या करते हैं? डॉपलर, ठीक है। डॉपलर क्या नजर आता है? ट्विंकलिंग इफेक्ट को हम लोग स्पार्कलिंग कहते हैं या ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। उसके अंदर जो डॉपलर जो है वो कलर जो है वो थोड़ा सा शाइन करेगा, वो ब्लिंक करेगा वहां पे, दैट मीन्स वहां पे स्टोन है, छोटा स्टोन है। बड़ा स्टोन होगा तो उसके तो आपको पता ही है पोस्टीरियर शेडोइंग और उसके जो एकोजेनिक स्ट्रक्चर और उस तरह नजर, ठीक है। ये क्या हो सकता है? कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ किस तरह उसमें आता है? वेनस के अंदर होगा तो वो वेन्स भी हमें नहीं, ये ओरल है, ठीक है। ओरली जो है पेशेंट को आप लोगों ने कॉन्ट्रास्ट पिलाया है और कोलेसिस्टोग्राफी, ओरल कोलेसिस्टोग्राफी के अंदर जो है वो इस तरह हमारे पास कॉन्ट्रास्ट जाएगा, लेकिन अलग फिर वही हमारे पास जब हम सीटी एमआरआई के ऊपर इतना क्लियर या अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही इतना क्लियर नजर आ सकता है, तो ये पहले होता था, अब ये भी एक्सक्लूड हो गई है। कुछ इमेजिंग हमारी टेक्निक्स होती हैं और विद टाइम जो है वो खत्म होती जाती है, नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, फिर हम लोग उन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही उसके ऊपर जो है ना उसको कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? सीटी है इसमें आपको, ठीक है। ये हमारे पास लिवर है, लिवर के इस तरह आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ छोटा सा, इस जगह देख रहे हो ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये इमेजिंग हो गई इसकी। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग है। अब ये देखो बिलवरी सिस्टम के अंदर इन्होंने इस तरह की इमेजिंग नजर आती है, ये डिटेल आप न्यूक्लियर मेडिसिन के सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर पढ़ाएंगे वो किस तरह और क्यों होता है। व्हाट इज पॉलीलिथियसिस? स्टोन्स इन द, ठीक। अब ये तीनों इमेजिंग जो हमारे पास मोडालिटीज हैं उनके अंदर स्टोन्स आपको दिखाया हुआ है। नंबर वन इज द प्लेन रेडियोग्राफ और इसके अंदर आप ये देख रहे हो इसके अंदर व्हाइट स्टोन्स। नंबर टू इज अल्ट्रासाउंड, ये देख रहे हो व्हाइट कलर के विद द पोस्टीरियर शेडोइंग, और ये व्हाइट कलर का स्टोन इन द सीटी स्कैन, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर व्हाइट स्टोन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तीन मोडालिटी एक डिजीज, ठीक है। अब आप देखो क्लियर सबसे ज्यादा तो हमें, ठीक है, हमें अल्ट्रासाउंड का भी बहुत क्लियर नजर आ रहा है, सिटी के अंदर बड़ा क्लियर नजर आता है, हर चीज जो है हमें बहुत जबरदस्त किस्म की नजर आती है सिटी के अंदर। अगर ट्यूमर्स वगैरह होते हैं ना तो बेसिकली हम उसको डिटेल उसकी इन्वेजन देखनी होती है उसके सारे, अब तो हम कोशिश करते हैं सिटी वगैरह करवाए। अब अच्छा, देन वी हैव एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, ये भी डिजीजेस पड़ रहे हैं हम लोग के, क्या क्या अगर हम लोग के पास कंप्लेन के साथ पेशेंट आ सकता है और हम लोग किन के लिए कौन सा प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिंग मोडालिटीज एंड डिफरेंट। पॉलीसिस्टाइटिस क्या है? आइटस इज इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के क्या तीन साइन होते हैं, बार बार पढ़ते हैं हम, अगर उस एरिया की जो है ना, एक तो वॉल थिकेंड हो जाती है, अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हाइपर वेस्कुलराइज एरिया हो जाएगा, ठीक है, फिर हमें फ्लूइड नजर आ सकता है, ठीक। ये एक्यूट पॉलीसिस्टाइटिस के डिफरेंट इसके अंदर इन्होंने दो स्कैन किए हुए हैं, अल्ट्रासाउंड के दो ऊपर है और नीचे हमारे पास रेडियो न्यूक्लाइड है। इसके अंदर अगर देखो तो वॉल देख रहे हो, ये इसकी थिकेंड है, इरेगुलर सी है, इतनी ज्यादा नहीं है, वरना पॉलीसिस्टाइटिस के अंदर इतनी ज्यादा थिकेंड वॉल हो जाती है और उसको पैरा जो है ना उसके फ्लूइड नजर आता है, ठीक। एम्फाइसमेटस कोलेसिस्टाइटिस देख रहे हो, दिस इज एयर, एम्फाइसीमा क्या होता है, वर्ड सुना है लंग्स में होता है ना, तो क्या क्या
मैम डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वोलाई. तो M5 का मतलब क्या हो गया, वहां पे एयर है ना, एयर से हम लोग एयर या गैस, ठीक. तो हमें पता है कि रेडियोग्राफ के ऊपर एयर या गैस कैसे नजर आती है, ब्लैक, ठीक है. तो ये एयर या गैस जो है वो उसकी वजह से हमें इंटेस्टाइन और पूरा बिलरी ट्रैक भी हमें पूरा वो नजर आ रहा है, डायलेटेड सा इस तरह का. नॉर्मली हमें एक्सरेस पे तो नजर नहीं आता, ठीक है. दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है. अच्छा पोर्सलिन गॉलब्लैडर क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में पढ़ा था ना, अल्ट्रासाउंड वाले बड़े जल्दी भूल जाते हैं. तो पोर्सलिन गॉलब्लैडर, गॉलब्लैडर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो गॉलब्लैडर की वॉल होती है ना, वो हमें कैल्सिफाइड अगर नजर आ रही है, व्हाइट कलर की नजर आ रही है, और उसके अंदर पूरी व्हाइट नहीं होती, उसके अंदर ब्रिटल्स नजर आते हैं. दैट मींस कि थोड़ा थोड़ा स्पेस के बाद हमें व्हाइट एरिया नजर आ रहा था. जैसे उसके अंदर समझ लो कि मतलब स्पेस होती है और उसके पीछे हम लोगों को शेडोइंग भी नजर आ रही होती है, कहीं व्हाइट कहीं शेडो कहीं इस तरह करके. तो वो ब्रिटल फॉर्म जो उसकी कैल्सिफिकेशन होती है, वो वॉल की कैल्सिफिकेशन होती है. अगर गॉलब्लैडर की वॉल कैल्सिफाइड नजर आ रही है, दैट मींस पोर्सलिन गॉलब्लैडर. और इम्पोर्टेंट कार्सिनोमास भी नजर आ जाते हैं, मैस अपीयरेंस देते हैं. इंट्राम्यूरल हो गया, फोकल या डिफ्यूज हो गया, मैस रिप्लेसमेंट, ये पूरे गॉलब्लैडर के अंदर मैस है. मैस अपीयरेंस तो आपको पता ही है किस तरह का, कोई भी मैस हमें सॉफ्ट टिश्यू का नजर आ सकता है. एक ये पड़ा हुआ है, थ्री टाइप के होते हैं, थ्री स्टेजेस. इंट्राम्यूरल है, ये फोकल या डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द गॉलब्लैडर वॉल है, और मैस रिप्लेसिंग द गॉलब्लैडर. पूरा मैस जो इतना ज्यादा था कि उसने गॉलब्लैडर हमें नजर ही नहीं आ रहा, पूरा मैस ही मैस है, इतना कैंसर है वहां पे, ठीक है. अच्छा इमेजिंग टेक्निक फॉर द बिलरी चैनल फिर से आ जाओ, वही मेरे ख्याल आ गया है वो दोबारा से. अल्ट्रासाउंड, सीटी, ओरल कोलेसिस्टोग्राफी, इंट्रावेनस, परकुटेनियस, ईआरसीपी, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी, एंड ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, ठीक है. अच्छा ये क्या है हमारे पास, ये डक्ट है. नॉर्मली हमें डक्ट इस तरह नजर नहीं आती अल्ट्रासाउंड के ऊपर, हमें एक थिन सी बिल्कुल ऐसे एक्टोजेनिक सी एक ही लाइन नजर आती है, उसके अंदर फ्लूइड नजर नहीं आता. अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगी, डायलेटेशन हो जाएगी उसकी डक्ट की, और डायलेटेशन की वजह से जो है वो हमें पूरी उसके अंदर से ब्लैक कलर की भी मतलब डक्ट पूरी नजर आ रही होगी. अदरवाइज हमें सिर्फ एक एक्टोजेनिक लाइन नजर आती है, अगर उसके अंदर डायलेटेशन नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है. ये सीटी इमेजेस है उसके. अब आज वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं. परकुटेनियस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी, इसकी इंडिकेशंस क्या होंगी. अब हमारे पास डिफरेंट, हम लोगों ने टेक्निक्स तो पढ़ ली हैं, डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट इंडिकेशंस के लिए तो होंगी ना, लेकिन कुछ ऐसी इंडिकेशंस है कि वो मिलती जुलती हैं आपस में, लेकिन जो वो स्कैन है वो क्या हो गए, वो खत्म हो गए हैं, और उससे बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई है, वो रिप्लेस हो गई है उन टेक्नोलॉजी से. तो ज्यादातर पेशेंट कंप्लेन करेगा जॉन्डस के पास, या हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. दो चीजें हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, जॉन्डस हो सकता है. पेशेंट कंप्लेन जॉन्डस के साथ करेगा, आंखें उसकी येलो हुई हैं, ठीक है, उसका जो लैब टेस्ट हुए हैं जॉन्डस कंफर्म हुआ हुआ है. कुछ हेपेटाइटिस के भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनमें भी हम लोगों ने देखने होते हैं, बिलरी सिस्टम तो नहीं उनका खराब हुआ हुआ है. ये सारे अगर वो आया ही हमारे पास जॉन्डस की, तो हम लोगों को पता है कि जॉन्डस है, तो डेट मीन्स कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है उसके बिलरी डक्ट के अंदर, ठीक है. फिर प्रायर टू द बिलरी ड्रेनेज प्रोसीजर, प्रोसीजर कैसे करेंगे, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इफ द पेशेंट हैविंग द ब्लीडिंग टेंडेंसी, नहीं करेंगे ये स्कैन. बिलरी ट्रैक सेप्सिस है, पहले इन्फेक्शन कोई भी हम लोग जो है इंजेक्ट करते हैं कोई चीज, या एक्सटर्नली हम लोग जो है वो कोई भी चीज डालते हैं ना, तो उसमें चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, ठीक है. पहले ही पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड है बहुत ज्यादा, उसको प्रोन है बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से, तो हम कोशिश करते हैं कि उन पेशेंट में ना किया जाए, ठीक है. अच्छा अनफिट फॉर द सर्जरी, हाइड्रेटेड सिस्ट है उसके अंदर, असाइटिस है, क्रॉनिक लिवर डिजीजेस हैं, इन ये पहले कंफर्म ये डिजीज है, तो इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि ये वाला स्कैन ना किया. कॉन्ट्रास्ट कौन सा यूज करेंगे, लो ऑस्मोलर या हाई ऑस्मोलर, 20-60 ml, और इक्विपमेंट वी नो कि फ्लोरोस्कोपी है, और इसके अंदर नीडल जो यूज होती है ना, वो चीबा नीडल यूज होती है, बारीक सी नीडल होती है जिसको चीबा नीडल कहते हैं, बिल्कुल पतली सी होती है, क्योंकि स्किन के ऊपर से हम लोगों ने इंजेक्ट करना है ना, तो स्किन के लिए हम लोगों को पतली नीडल रिक्वायर्ड होती है, तो उसको नीडल को कहते हैं चीबा नीडल. फाइन फ्लेक्सीबल 22 गेज नीडल, 18 cm लॉन्ग. अच्छा जितनी पतली उतनी लंबी हमने लेनी है, हमने जो है ना लिवर के अंदर पूरा डक्ट में जाना है, ठीक है, तो लंबी ज्यादा होगी, पतली उतनी का पतली होगी, ठीक है. तो इस चीबर नीडल इसी तरह की होती है, पतली और लंबी सी.
पेशेंट प्रिपरेशन, हमने उसके लैब टेस्ट जो करवाने हैं उसके अंदर हमने उसका हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड प्लेटलेट्स चेक करते हैं उसे. अगर वो पहले ही इसमें प्रॉब्लम है तो हम फिर नहीं करेंगे. इट्स अ परकुटेनियस टेक्निक. प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स देंगे एनपीओ फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स. ठीक है, किस तरह करेंगे? पेशेंट लाइसुपाइन अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल. वी ऑल नो के सारे फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं. पेशेंट को हम लोग फ्लोरोस्कोपी टेबल के ऊपर लिटाएंगे, फिर हम उसको इंजेक्ट करते हैं, फिर हम उसकी इमेजेस लेते हैं. यही फ्लोरोस्कोपी के सारे प्रोसीजर्स हैं. ठीक है, पेशेंट लाइसुपाइन अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल. मेटल मार्कर इज प्लेस्ड. हर इमेजिंग के अंदर मैं बार बार कहती हूँ मार्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्कर राइट का लेफ्ट पे लग गया या लेफ्ट का राइट पे इमेजिंग वालों का लग गया ना, तो समझ लो कि गया वो पेशेंट गया. ठीक है, क्योंकि वो जो है ना, आगे क्या होता है, आपके पास डायग्नोज हो गई है एक चीज, उसने आगे सर्जरी की तरफ जाना है. ठीक है, डॉक्टर ने ये थोड़ी देखना है उसके पेट में जाके कि भाई ये चीज यहाँ पड़ी हुई है या ये राइट पे पड़ी है या लेफ्ट पे पड़ी हुई है. उसने तो सिर्फ रिपोर्ट देखनी है, और रिपोर्ट देखनी है किसी ने लिख दिया कि राइट साइड पे प्रॉब्लम उसकी लेफ्ट पे थी, राइट साइड रिपोर्ट होके आई है, उसने राइट साइड ही निकाल दी सर्जरी करके. ठीक है, ऐसे बड़े केसेस हो चुके हैं. तो ये जो है ना, बड़े आंखें खोल के मार्कर लगाना है. ठीक है, मार्कर लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है. राइट लेफ्ट का पता होना जरूरी है, क्योंकि इमेजिंग के अंदर राइट लेफ्ट की बड़ी कंफ्यूजन होती है करने वालों को भी और रिपोर्ट करने वालों की. तो मार्कर प्रॉपरली प्लेस्ड करें. ठीक है, अच्छा, मार्कर इज प्लेस्ड ऑन द स्किन इन द राइट मिड एक्सिलरी लाइन, सेकंड मेटल मार्कर ऑन द जीफी स्टर्नम. लिवर कैप्सूल एनेस्थाइज एट द साइट ऑफ फर्स्ट मेटल मार्कर. ओके, हम लोगों ने अब कैसे एनेस्थीजिया देना है उसको, और फिर उसके बाद नीडल इंसर्ट करनी है. चीबा नीडल इज इंसर्टेड एंड एडवांस पैरेलल टू द टेबल टॉप इन डायरेक्शन ऑफ द जीफी स्टर्नम. ठीक है, अब क्या होगा, हम लोगों ने इसको पैरेलली, हमने यू नहीं लेके जाना नीडल को, या बिल्कुल एंगल पे नहीं लेके जाना, इसको स्किन के अंदर ही बिल्कुल ऊपर सुपरफिशियल इस तरह पैरेलल ले जाना नीडल को लेकर जाना. ठीक है, हमने इसको इन्वेड नहीं करना बहुत ज्यादा उसको. कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल वाइल नीडल इज स्लोली विदड्रॉन. अब क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है कॉन्ट्रास्ट हमें इंजेक्ट करना है, और जैसा जैसा इंजेक्ट करते जाएंगे नीडल को बाहर की तरफ को विदड्रॉ करते जाएंगे. ठीक है, इस तरह हमने कॉन्ट्रास्ट देना है. मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट अंटिल डक्ट इज एंटर्ड. ठीक है, अब इसी तरह करते करते हमने 6 अटेम्प्ट करके हमने पूरे डक्ट को जो है फिल करना है, और साथ साथ हम जो उसकी इमेजेस कर रहे होते हैं और हमें पता चलता जा रहा होता है कि कॉन्ट्रास्ट कितना फिल हो गया है, कौन सी डक्ट जो है वो फिल हो गई और कौन सी रह गई. ठीक, कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज इंजेक्टेड टू फिल द डक्ट सिस्टम एंड डिफाइन लोअर एंड ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन. और अच्छा, इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, हम पंक्चर कर सकते हैं एक्स्ट्रा हिपेटिक स्ट्रक्चर. अब हम लोग ब्लाइंडली जा रहे हैं, हमें नहीं पता. ठीक है, बहुत किसी को डॉक्टर्स ही करते हैं ये. ठीक है, और उनको पता है कि इस जगह पे ये, उनको सारा पता है. यहाँ तो हो ना अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम कर रहे हैं तो हमें नजर भी आ रही है चीजें. यहाँ हम लोग फ्लोरोस्कोपिक कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन पहले इंजेक्ट करते हैं फिर इमेज. हर वक्त तो नहीं ना उसकी रेडिएशन निकल रही जिस तरह हम फ्लोरोस्कोपी पर कर रहे हैं. हम इंजेक्ट करते हैं फिर इमेज लेते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं. तो ये जो है ना, हम लोग जो जिनको नहीं इतना इस चीज का ट्रेनिंग है तो वो क्या कर सकता है, पंक्चर कर सकते हैं हमारी एक्स्ट्रा हिपेटिक स्ट्रक्चर्स को. इंट्रा थोरेसिक इंजेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ऊपर सारा जो लंग्स भी पड़ा हुआ है उसमें अगर लंग्स में इंजेक्ट कर दिया तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है. पेशेंट जो है वो उसी वक्त एक्सपायर हो सकता है. कोलेंजाइटिस, बिलरी पेरिटोनाइटिस, अच्छा, सबफ्रेनिक एप्सिस है, हेमरेज है, और न्यूमोथोरेक्स. हम एयर भी इंजेक्ट कर सकते हैं लेवर. ये दीज आर द कॉम्प्लिकेशन वाइल डूइंग परकुटेनियस कोलेंजियोग्राफी. ये देख रहे हो, दिस इज नीडल. ठीक है, ये जो हमें बारीक सी लंबी सी नजर आ रही है ना, ये नीडल है, और वो उसने बिलरी ट्री के अंदर जो है वो पूरा कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करी और जिस तरह हमें नजर आ रही है. ठीक है, और यहाँ देख रहे हो, ये यहाँ पे आके ऑब्स्ट्रक्शन है, ऊपर से सही आ रही है, डायलेटेड है और ज्यादा डायलेटेड, और यहाँ आके डैट मीन जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसका पिछला पार्ट जो होता है वो ज्यादा डायलेट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे नैरोइंग हो गई है. अब आज ERCP क्या है, एबिलिटी टू विजुलाइज एंड बायोप्सी एम्पुलाई लीजन. अब ये क्या होता है, इसके अंदर कितने फायदे हैं, एक तो हम लोग बायोप्सी ले सकते हैं, एक हम उसके अंदर थेरापिटिक प्रोसीजर है, इसके अंदर हम लोग स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा हम कॉन्ट्रास्ट डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं. ठीक, हम लोग बिल्कुल इस तरह समझो कि अंदर बिल्कुल चले गए हैं. मैं कैमरा कभी देखा है ERCP आप लोगों ने देखा है, शेखजाइड में जाना, शेखजाइड में बड़े ज्यादा होते हैं. ठीक है, ERCP के प्रोसीजर्स वहाँ पे देख के आना. अच्छा, डेमोस्ट्रेशन ऑफ द बिलरी ट्री एंड पैंक्रियाटिक डक्ट. हम लोग इसमें बेटर थेरापिटिक पोटेंशियल एंड सिम्फर्टमेट स्टोन एक्सट्रक्शन, दीज आर द थेरापिटिक पॉइंट्स के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर.
इंडिकेशंस क्या है? एक्स्ट्रा हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, ओके. पोस्ट कॉलिसेक्टमी सिंड्रोम, डिफ्यूज बिलरी डिजीज या पैंक्रियाटिक डिजीज. पूरा बिलरी का या पैंक्रियाटिक डिजीज के अंदर जो है, अगर हम बहुत डिटेल में विजुअलाइज करना चाह रहे हैं अलॉन्ग विद डैट डायग्नोज के अलावा हम थेरेपी की तरफ भी जा रहे हैं, तो हम ERCP रिकमेंड करते हैं. बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है, देखा हुआ है मैंने, पेशेंट बड़ा उसमें अनकंफर्टेबल होता है. एक एंडोस्कोपी, आप उसमें कैमरा इंसर्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद डाई भी डाल रहे हो, फिर उसका अंडर फ्लोरोस्कोपी है, इमेजेस ले रहे हो, पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल होता है. और कैमरा ही अंदर इंसर्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल है कि आप इतनी बड़ी वायर होती है, इतना मोटा कैमरा होता है आगे लगा हुआ, ठीक है, वो उसके लेकर जाना, उसके अंदर स्टमक तक लेके जाना, और उससे बड़ा अनकंफर्टेबल. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन है, हमें पता है एसोफेगस के थ्रू ही तो कैमरा लेकर जा रहे हैं, ऑलरेडी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम लोग उसमें परफोरेट कर सकते हैं, ठीक है. आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, कैमरा वो सिर्फ यूं डाल रहे होते हैं आगे आगे, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पे वो परफोरेट कर सकते हैं, ठीक है. आगे की तरफ को यूं आगे की तरफ को धक्का डालते हैं, धक्का दे रहे होते हैं, इतनी बड़ी ट्यूब होती है वो, और देख के डर लग रहा होता है इसको, ठीक है. फिर आ गया प्रीवियस गैस्ट्रिक सर्जरी एंड एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और पैंक्रियाटिक सीडोसिस्ट, दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस. पेशेंट प्रेपरेशन, इसके लिए भी एंटीबायोटिक या एनपीओ, एंटीबायोटिक पहले दे दो और उसके बाद उसका जो है ना फास्टिंग तो रिक्वायर्ड है ही है. एनपीओ, एनपीओ का क्या मतलब है? नथिंग पर ऑर, ठीक है. तो एनपीओ मीन्स के आप उसको फास्टिंग में लेके जाओ, नथिंग पर ऑर फॉर एटलीस्ट 4 hours 5 hours के हैं. टेक्निक क्या है? आप एसोफेगस के थ्रू हम लोगों ने कैमरा इंसर्ट करना है, तो ये जगह को बड़ा ज्यादा पेशेंट कंप्लेन करता है, इसको हम एनेस्थेटाइज करते हैं. बाद में जो उसको कंप्लेन होती है कि मेरे तो गले में जो है मसला आ रहा है, ठीक है. जब भी किसी को एनेस्थीजिया देते हैं, जनरल एनेस्थीजिया देते हैं, तो देखा होगा गले में डालते हैं ना वो ट्यूब सी जो होती है जो, ठीक है. तो उसके लिए हम फेरेंक्स को जो एनेस्थेटाइज करेंगे. पेशेंट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड एंड एंडोस्कोप इज इंट्रोड्यूस, द एम्पुला इज लोकेटेड एंड द पेशेंट इज टर्न्ड प्रॉन. पॉलीथीन कैथेटर pre-filled with contrast is inserted into the ampulla. A small test injection of contrast is made. अब देखो, एक तो ये कैमरा लगा हुआ है, एक उसके साथ एम्पुला वाली ट्यूब जिसके अंदर से कॉन्ट्रास्ट देना है, इतना मोटा और हो जाना है, ठीक है. अब देख लो कितना अनकम्फर्टेबल होता है पेशेंट के लिए. अ स्मॉल टेस्ट इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट इज मेड, इट इज डिजायरेबल टू ओपेसिफाई बोथ बिलरी ट्री एंड द पैंक्रियाटिक. ओपेसिफाई मीन्स कि हमें पता चल गया कि उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट चला गया, वो वाइट नजर आ रहा है, रेडियो ओपेक नजर आ रहा है, और उसकी पूरी ट्री को उसने हाईलाइट कर दिया. अलॉन्ग विद द बिलरी सिस्टम हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट भी जो है वो हाईलाइट हो गई, डैट मीन्स हमने उसको कॉन्ट्रास्ट दे दिया हुआ, हमारे दोनों जो है वो कम्प्लीटली फिल हो गए हुए हैं और दोनों हमें डक्ट नजर आ रहे हैं. आफ्टर केयर nil orally until sensation has returned, क्योंकि हमने anesthesia दिया हुआ है, ठीक है, sensations उसकी खत्म हुई होती है, उसको गले में इतना ज्यादा problem आ रहा होता है, ठीक है. और sensation has returned to pharynx. अच्छा, pulse temperature, BP वगैरह हम जरूर पहले भी लेते हैं, बाद में भी लेते हैं, patient का BP बहुत down हो जाता है, एक तो procedure करते करते वैसे ही उसका बुरा हाल हो जाता है, ठीक है. तो ये ना हो patient जो है वो बेहोशी हो जाए उसके बाद, ठीक. तो after care is very important. बिफोर एनेस्थीसिया देने से पहले, हाँ, उसको तो बहुत मसला होता है. कभी किसी ने जनरल एनेस्थीसिया लिया? अल्लाह ना करे किसी को दिया हो. मैंने लिया हुआ है जनरल एनेस्थीसिया, मुझे पता है ना वो कैसे होता है, वो पूरा आप एक दिन तक, इसीलिए कहते हैं ना एक दिन तक पानी भी नहीं पिलाते आपको, तो वो एक दिन तक पानी, वो बंदा स्लाइवा भी अंदर नहीं कर पा रहा होगा, इतना ज्यादा वो आपका फेरेंक्स जो है वो बुरा हाल हुआ होता है उसका, खांसी करने में भी मसला आ रहा होता है, तो इसलिए डॉक्टर्स कहते होते हैं एक दिन के बाद उसकी सेंसेशन दोबारा सही होती है. जनरल एनेस्थीसिया की बात कर रही हूँ, ये भी कुछ जो 6-7 घंटे, तो आराम से इसके भी 6 घंटे का लिखा हुआ है, 6 घंटे तक जो है उसकी सेंसेशन वापस आती हैं. तो वो हम एनेस्थीसिया दिया हुआ उसकी, बिल्कुल ही वो उसको तो स्लाइवा यूं करने में भी मसला आ रहा. अच्छा, मेंटेन एंटीबायोटिक इफ देयर इज बिलरी और पैंक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन, और एसमाइलेज इफ पैंक्रियाटिक इज सस्पेक्टेड. कॉम्प्लिकेशंस, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस तो बस वही है कि हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं. दिस इज ERCP, इस तरह का उसका इमेज होता है. ये क्या है? एम्पुला, ठीक है. इसके ये यहाँ जाता है स्टमक के सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है ना, वहां तक कैमरा लेकर एम्पुला भी जाता है, वहां जाके हम इंजेक्ट करेंगे ताकि जो है ना कॉन्ट्रास्ट ऊपर की तरफ को जाए. ये है ना सेकंड पार्ट ऑफ,
तो कैमरा तो उसके जीएल प्रैक्टिस लेकर जा रहे हैं, सो फिगर्स फिर स्टमक, और हम यहाँ तक लेके आते हैं और यहाँ से लेकर लेके ताकि जो हमारा जो क्या कहते हैं भी ट्री है उसमें कॉन्ट्रास्ट जा सके, तो यहाँ तक एंगुलर और उसके बाद यहाँ तक किया सकता है, ये भी सारे हाईलाइट करेंगे तो कहाँ तक कैमरा जाएगा और कहाँ तक उसका, और जब तक कैमरा साथ जा रहा होता है ना पेशेंट की हालत हो गई। अच्छा टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी जो है किसी को पता है, किसी ने देखी है? आप लोग मेरा ख्याल करते भी हो, जाते हो उधर क्या कहते होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में विजिट किए हैं, ये कुछ देखे हैं टेस्ट वगैरह? मुझे लग रहा था कि अच्छा टी ट्यूब भी उसी तरह ही होती है कि कोलेंजियोग्राफी है, इसके अंदर भी हम लोग जो है इंसर्ट करते हैं परकुटेनियसली, ठीक है, इसमें भी वही हम लोग कौन से हमारे पास इंडिकेशंस है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, कैलकुलाई है, उसके लिए हम करेंगे एवेलुएशन ऑफ द एनास्टोमोसिस एंड इंट्राहेपेटिक बिलरी ट्री ऑफ द लिवर ट्रांसप्लांट। इसको ये वैसे हम लोग नहीं करते हैं, ये हमारे अंडर नहीं है, ERCP भी हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पर हम लोग उसकी हम लोग अगर करेंगे ना बीइंग अ मेडिकल इमेजिंग, हम लोग सिर्फ एक्सरेज या फ्लोरोस्कोपी पे बैठे होंगे, ये प्रोसीजर सारे डॉक्टर्स कर रहे होते हैं या ये जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये उनके अंडर का प्रोसीजर है, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर है क्या, किस तरह कर रहे हैं, बट आपका जो काम है आपका इमेजिंग वाला काम है, जो आपने व्यूज बनाने हैं, आपको पता है एंगल क्या रखना है, इस एंगल पे ये चीज नजर आ सकती है, बट ये जो सर्जरी और जो इस तरह के काम है ना इंजेक्शन वाले, इवन के एंजियोग्राफी भी, एंजियोग्राफी पढ़ लिया हुआ वो भी पढ़ रहे हो, तो एंजियोग्राफी का है कहीं विजिट कौन करवा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? सर रुमान को बोलो कि आपको PIC का एक विजिट कराना है, ठीक है, इक्विपमेंट हमारे पास फ्लोरोस्कोपी है, इसके लिए प्रेपरेशन नन है बिकॉज वी आर नॉट इंजेक्टिंग एनीथिंग, हम लोग उसको पिला कुछ नहीं रहे, तो उसके लिए उसको टेक्निक क्या, इट इज डन ऑन द 10th पोस्ट ऑप डे, ठीक है, ऑपरेशन हो गया उसका या ERCP हो गई है, उसके बाद उसको पता चला है कि उसके अंदर जो है वो स्टोन्स रह गए हैं या कुछ ऐसा, ठीक है, उसी एक दो दिन बाद में हम करेंगे, ठीक है, 10th ऑप डे प्रायर टू पुलिंग आउट द टी ट्यूब, patient lies supine on x-ray tube table, the drainage tube is clamped off near to the patient and cleaned thoroughly with the antiseptic. अब क्या होता है ERCP जब हम करते हैं ना, हमने प्रोसीजर किया, हम एक टी ट्यूब मतलब टी की फॉर्म में एक मेटल होता है जो कि हम लोग उसके बिलरी ट्री के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं थ्रू ERCP, ठीक है, अब क्या होता है कि उसको उतने टाइम तक अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन थी ना, ऑब्स्ट्रक्शन तो हमने उसको खत्म करना था कहीं, तो स्टोन्स रिमूव कर दिए कि वापस वो कोलैप्स ना आ जाए, तो हम उसके अंदर टी ट्यूब जो मेटल होता है वो इंसर्ट करा देते हैं, ठीक, अब वो जो डाला है अब वो जो है समझ लो कि रह गए वहां पे स्टोन्स वगैरह रह गए हैं, ठीक, अब हमें इमेजिंग की है, अब नहीं हो पाया, फिर उसके बाद हम लोग 10th डे पे जाके जब टी ट्यूब रिमूव करेंगे ना, जो टी ट्यूब होती है जो हमने इंसर्ट की थी कोलेंजियोग्राफी, उसका क्या मकसद होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन थी ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव कर दी, वापस ना दोबारा जो हमारी बाइल डक है वो समझ लो कि चिपक जाए दोबारा बनना हो जाए, तो उसके लिए हम इंसर्ट करते हैं एक्सटर्नली टी ट्यूब को, ठीक है, तो पेशेंट लाइज सुपाइन ऑन द एक्स-रे टेबल, द ड्रेनेज ट्यूब इज क्लैम्प्ड ऑफ नियर टू द पेशेंट एंड क्लीन थॉरली विद द एंटीसेप्टिक, जब हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 10 दिन तो उसने पेशेंट के अंदर रखना ही जरूरी होता है ताकि वो वापस अपनी जो जगह डक्ट जो है वो वापस अपनी जगह पे उसी तरह आ जाए, उसको एक मिल जाए वो, ठीक है, 23 gauge needle extension tube and 20 ml syringe are assembled and filled with a contrast medium. After all air bubbles have been expelled, the needle is inserted into the tubing between the patient and the clamp. The injection is made under fluoroscopic control. Total volume depending on the duct filling. ये उसी तरह ही है जिस तरह हम ERCP के अंदर करेंगे, inject करेंगे contrast और उसको T-tube को bind करेंगे. अच्छा इस तरह के procedures ना आप देखने के बाद, क्योंकि अब हम लोग live तो देख नहीं सकते, कोशिश क्या करो YouTube पे देख लिया करो. वहाँ पे तो आपको सारे प्रोसीजर्स करते हुए अभी टाइम होता है ना, तो सर्च करते हैं, देखते हैं कि किस तरह कर रहे हैं पेशेंट की ना, 5 मिनट की वीडियो होगी, एटलीस्ट देख तो लिया करो ना पेशेंट को वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग लाइव नहीं जाके देख सकते पेशेंट्स की हॉस्पिटल्स में, तो इस तरह ही कर लिया करो, कुछ तो समझ आए. वट टू सी एनी फिलिंग डिफेक्ट स्ट्रिक्चर या नैरोइंग, अब दोबारा तो कोई नैरोइंग नहीं होगी जब हमने टी ट्यूब को रिमूव किया है, या एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द इंट्रा एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलरी सेल एंड पैसेज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इन ड्यूरिन, ठीक है, ये देख रहे हो इसके अंदर थोड़ी सी डायरेक्ट, ये इसके अंदर कोई चीज आपको फील हो रही है इंसर्ट की हुई? ये नॉर्मल इस तरह का डक्ट नहीं होती है, ये इसके अंदर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट सा इसके अंदर डाला हुआ है, ये जो इसके अंदर डायरेटेशन सी हुई है ना, ये जो दिस इज टी ट्यूब, ये और ये यूं करके होती है, टी बनता है,
अच्छा पैरोप्रेटिक कोलेंजियोग्राफी वही हम लोग इसको थ्रू ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं और ज्यादातर हम लोग ऑपरेशन जो है ना किसका करते होते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर रिमूव कर रहे हैं गॉल ब्लैडर तो रिमूव कर रहे हैं बिल्वी ट्री तो वैसे ही है ना बिल्वी ट्री को साथ में हम लोगों ने क्या देखना है उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट लेना अगर तो उसके अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन है ठीक है अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम लोग थ्रू ऑपरेशन ही ऑब्स्ट्रक्शन को और उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं वहां पे फिर अंदर स्टिचेस लगाते हैं और इस तरह ठीक है उसको करते हैं पर ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी जिसे कहते हैं लेकिन उसको देखने के लिए हम लोग थ्रू ऑपरेशन ऑपरेशन के दौरान भी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर देख रहे होते हैं ठीक है उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडियम वही जो हम लोग उसमें यूज कर रहे थे 20 ml तक जो है लो ऑस्मोलर या हाई ऑस्मोलर यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट ऑपरेटिंग टेबल विद अ फिल्म कैसेट अब ये क्या है हम ऑपरेट ही उसको उस चैनल पे कर उस टेबल पे करते हैं जो कि हमारा फ्लोरोस्कोपिक टेबल है ठीक है ताकि हम पेशेंट को उठा के दोबारा नहीं उसका पेट कटा हुआ हम उठा के उसका स्कैन करने ले जाएं ठीक है उसी के ऊपर हम लोग जो है ऊपर एक्सरे ट्यूब होती है और एक्सरे ट्यूब के साथ जो उसके इमेजेस ले रहे थे जो कि फ्लोरोस्कोपी एंजियोग्राफी भी यूं ही होती है ठीक है मोबाइल एक्सरे मशीन होती है उसके ऊपर ही हम लोग एंजियोग्राफी मशीन की जिस तरह होती है ना टेबल ऊपर जो है हमारे पास सी शेप लगी होती है सी शेप जो है ना सी आर्म जो उसे कहते हैं उसके ऊपर एक तरफ एक्सरे टेबल एक्सरे ट्यूब होती है और एक तरफ हमारे पास डिटेक्टर होता है फिल्म होती है जो हमें डिटेक्ट करके इमेजेस दिखा रही है सेम लाइक डैट ये भी हम लोग ऑपरेशन के दौरान जो है वो इसी तरह करेंगे कि हम ऑपरेट कर रहे हैं और साथ में इमेजेस ले रहे हैं और हम लोग ऑपरेशन के दौरान ही हम लोग उसको इंजेक्ट कर रहे होते हैं कॉन्ट्रास्ट और इनकेस हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है तो फिर हम लोग उसको उसी तरह साथ के साथ भी ट्रीट भी कर रहे होते हैं कॉन्ट्रास्ट दिया अगर ऑब्स्ट्रक्शन मिली दैट मीन्स कि हम लोग उसको सर्जन कैनुलेट्स द सिस्टिक डक्ट विद अ फाइन कैथेटर दिस इज प्रीफिल्ड विद कॉन्ट्रास्ट मीडियम टू एक्ट्यूएट एयर बबल्स विच माइट सिमुलेट कैलकुलाई बिकॉज एयर जो होती है वो किस तरह नजर आती है ब्लैक ठीक है वो और हमें किस तरह हमें जो है ना स्टोन्स भी जो है वो उसके अंदर ब्लैक नजर आ सकते होते हैं ठीक है वैसे तो हमें व्हाइट नजर आते हैं बट हम जब कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो कॉन्ट्रास्ट देते हुए वैसे स्ट्रक्चर व्हाइट हो जाता है बट स्टोन्स ब्लैक हो जाते हैं ठीक है ये डिफरेंस जो है ना समझना पूछूंगी भी कि वैसे एक्सरेस के ऊपर जो है हमें स्टोन्स किस तरह के नजर आते हैं व्हाइट बट अगर हम उसी डक्ट के अंदर जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रास्ट दिया है कॉन्ट्रास्ट सारा व्हाइट हो जाएगा व्हाइट के अंदर तो स्टोन्स भी हमें छुप जाएंगे व्हाइटिंग व्हाइट अगर स्टोन हुए तो उसके अंदर क्या होगा हमें स्टोन्स जो है वो फिर ब्लैक नजर आएंगे अगर कॉन्ट्रास्ट है उसके अंदर उस जगह के अंदर ठीक है तो कॉन्ट्रास्ट व्हाइट और फिर जो हमारे पास स्टोन्स है वो ब्लैक नजर आएंगे तो क्या होगा कि हम लोग उसको मिसडायग्नोज कर सकते हैं एयर बबल अगर चली गई एयर बबल्स भी होंगे वो ब्लैक कलर के हमें छोटे छोटे से बबल्स नजर आएंगे तो हम लोग कह सकते हैं ये स्टोन्स तो नहीं है तो बबल्स एयर बबल को हम लोगों ने जो है कोशिश करना है अवॉइड करना है कि वो हम लोग उसमें ना इंसर्ट कर सकें फिर आ गया क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफ सीबीडी विद नॉट ग्रेटर देन 12 mm अब क्या है इसका मतलब सीबीडी व्हाट इज सीबीडी ठीक है उसका डायलेटेशन हुई 12 mm क्या बता रहा है कि क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल ऑपरेटिव क्राइटेरिया है ना ये कि अगर सीबीडी 12 mm तक है then we are going towards the operative cholangiography ठीक free flow of contrast medium into the duodenum terminal narrow segment इसमें कोई इतनी चीज याद करने वाली है नहीं ठीक images हैं what is this it's a stone in duct ठीक है duct है कोलिडोको जो वर्ड है ना एक होता है कोली कोली का मतलब होता है आप उसके गॉल ब्लैडर के अंदर कोलिडोको डोको का वर्ड यहाँ पे जहाँ पे आ गया दैट मींस आप डक्ट के अंदर आ गए तो लिथियसिस यू नो कि स्टोन्स है तो आदि मेडिकल जो वर्ड्स है ना वो तो हमें नेम से ही उसकी डेफिनेशन निकाल लेते होते हैं आइटस आ गया इंफ्लेमेशन जिस भी जगह का लिथियसिस स्टोन जिस भी जगह का कोली मीन्स आप गॉल ब्लैडर कोलिडोको मीन्स उसके डक्ट ठीक है डक्ट के अंदर कहीं पे भी डक्ट में हो सकता है सिस्टिक में भी हो सकता है सीबीडी में भी हो सकता है कॉमन बाइल डक्ट में भी होता है कोई भी डक्ट डक्ट ठीक है कोलिडोको लिथियसिस ये देख रहे हैं छोटे छोटे इसके अंदर स्टोन्स नजर आ रहे हैं व्हाट इज दिस ईआरसीपी स्कैन अच्छा इमेजेस की समझ आ रही है जो कंफर्म इमेजेस अगर मैं इमेजेस दूं तो बता दोगे कि किस चीज का इमेज है ठीक है ईआरसीपी सीधा सीधा इमेज हुआ पर कुटेनियस की नजर आई थी नीडल इंसर्ट होती है एक साइड से नीडल जा रही है बारीक सी
ठीक है, कुछ इमेजेस जो हैं बिल्कुल जो कंफर्म होते हैं, मुझे पता है आप लोगों के मुश्किल होगी लेकिन जो बिल्कुल कंफर्म है आप देखते साथ बता दोगे कि ये इमेज ये चीज का है, ठीक है, वो वाले इमेजेस मैं जरूर देती होती हूँ इमेजिंग वालों को, तो इमेजेस देखा करो। सो ये ट्यूमर्स आ गए हैं, कुछ ट्यूमर्स को छोड़ दो सिटी के ऊपर, ये सिस्ट आ गई है, कोलीडोको, फिर वही आ गया कि सिस्ट इन द डक्ट, ठीक है, डक्ट के अंदर हमें सिस्ट मिलेगी, गॉलब्लैडर ये पड़ा हुआ है, गॉलब्लैडर में नहीं है, नीचे एक सिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, डैट मीन्स उसकी डायलिटेशन, उसकी जो डक्ट है उसने आउट पाउचिंग से एक सिस्ट बनाई हुई है, क्या देख रहे हो, सील डैट मीन्स फ्लूइड, न्यूक्लियर मेडिसिन के ये कुछ इमेजेस थे, ठीक है, कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर, खत्म हो गया। ज्यादा जो चीज इसमें याद करने वाली थी वो यही कि आपको कॉन्ट्रास्ट पता हो, प्रोसीजर पता हो और उसकी इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन पास, इमेजेस जो कंफर्मड है वो वाले देख लेना, बाकी डिटेल में मैंने कुछ चीजें निकाली हैं क्योंकि वो आपके उसमें नहीं है, मुश्किल हो जाती है समझने में, और क्योंकि वो हम करने होते हैं, उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी सर्जिकल प्रोसीजर है वो उन्होंने करने होते हैं, ठीक है, कोशिश करना है इस एग्जाम में अगर जा सको तो वहाँ जाके देखना ये कर रहे होते हैं। ये छोटी सी है इसको देखते हैं। Ertography is an endoscopy procedure for the purpose of evaluating and treating the release of the filling and or pancreatic ducts. When indicated, it can be performed in patients as found as before babies. A flexible endoscope is passed through the mouth to capture the small opening for the bile duct pancreas drain. A small narrow catheter is passed through the endoscope to gain access to the drainage duct, followed by advancement of a wire deep into the duct. This is about to be obstructing the bile duct. A small cut is made in the bile duct opening to help facilitate stone removal. The catheter is exchanged for extraction balloon that is passed above the stone. Pulling the stone into the intestines. The procedure, the wire is in the second example, the child is one of pancreatitis that developed an obstructive narrowing within the pancreatic duct. The dilating catheter is passed through the narrowing and the balloon is inflated to open up the duct. Temporary flexible stent is then placed for the previous ductal narrowing to allow the duct to heal. After a few weeks in place, the stent is removed. समझ आइए प्रोसीजर की कि किस तरह वो करते हैं हम लोग कैमरे के साथ उस पैम्प का वो किस तरह तो जाएगा, फिर आगे वायर उसने जो है ना गई है, पतली सी वायर थी, डक्ट होती है, ठीक है, अगर जो थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है वहाँ पे स्टोन नजर आया है, आपने एंजियोग्राफी में भी पढ़े होंगे स्टंट्स वगैरह जब डालते हैं यहाँ पे बलून जो है एंजियोप्लास्टी जो करते हैं इसे इसी तरह ही होती है, यही प्रोसीजर होता है इसमें भी, ठीक है, आपने पहले वायर डाली उस वेसल के अंदर और फिर उसको ठीक, फिर उसके बाद अगर तो वहाँ पे स्टोन है तो वो पता है वापस तो खींचे तो स्टोन भी वापस साथ आ गया, वैसे ही उसको स्टोन ने निकलना नहीं था, ठीक है, तो डिफरेंट एंडोस्कोपी के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं, ये तो थेरेपी के लिए यूज कर रहे थे, आप कोई वो देखते हैं दो मिनट के लिए अगर कुछ नजर आ रहा तो
good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, about colonialitis, cholecystitis, and pancreatitis. Right hepatic duct, left hepatic duct, common hepatic duct, and this is gallbladder, and this is cystic duct milk. ERCP stands for pancreas, pancreatic duct. Pancreatic duct or CVD drain into the second part of duodenum. ये देख रहे हो इस तरह वो पूरा बना रहा है. ठीक है. फिर अब हम लोगों ने क्या करना है? समझ आ रही है? ERCP combines the use of endoscopy and X-rays to diagnose or treat certain conditions of the biliary and pancreatic ductal system. With the help of the camera at the end of the endoscope, the visit is inside the stomach and duodenum. And then a thin plastic tube is inserted into the endoscope into the ampulla of Wager, which is the opening of the common bile duct and pancreatic duct into the duodenum. A radio opaque contrast medium is then injected into the tube, which makes all parts of the biliary tree, including intrahepatic ducts, common hepatic duct, cystic duct, gallbladder, common bile duct, and also pancreatic duct visible on the X-rays, which otherwise, without contrast, are not visible. ERCP can be performed for diagnostic and therapeutic reasons. The procedure is used primarily to diagnose gallstones, strictures, and leaks from trauma and surgery. It is particularly useful to help patients in case of obstructions in the biliary system caused by certain cancers. Frequently, stents are inserted to relieve the obstructions to increase the quality of life. The procedure is also used to remove gallstones from the bile ducts. This is an inverted image, like a negative of a photograph, if you're familiar with that term. The anatomical structures for that reason that normally appear black are appearing white, and the structures that appear white are appearing black. The grayscales are inverted on the image. The air within the stomach, which appears black, is appearing white, and the contrast medium, which appears white, is appearing black. Many times radiologists like to see fluoroscopic images with inverted grayscales. This is air within the stomach, and this is air in the duodenum. Some contrast is leaked from the duodenum, which is making the outline of the duodenum clearly visible. The injected contrast with the air in the duodenum is creating what is known as double contrast study. If you pay close attention, perhaps you can see a thin outline of the double contrast. Ki samajh aayi? You can clearly see pancreatic duct without any dilatation, although the gallbladder is still not completely filled with contrast medium. However, you can see a number of filling defects, which are appearing as small, somewhat rounded, or irregular shaped structures. Although it's not wise to jump to diagnosis to make a conclusion based on one image, that these filling defects are most likely multiple gallstones. You can clearly see cystic duct. The cystic duct attaches the gallbladder to the common hepatic duct. The common hepatic duct from this point on is known as the common bile duct. This sort of spring-shaped appearance is typical for the cystic duct. There is at least one big filling defect within the neck of the gallbladder. The common hepatic duct, common bile duct, and rest of the first lumbar cystic from a different patient. This is endoscopy. Two gallstones are वो तो साथ में images है ना? ठीक हो गया. तो वो तो आप लोग जिस तरह उसपे नजर आ रही थी कैमरे के अंदर इस तरह नजर आता है पूरी अंदर हॉल विजुअलाइज कैमरा जिस तरह बिल्कुल अंदर चले गए उसके एंडोस्कोपी के अंदर एंडोस्कोपी इस तरह की नजर आती है और जो अगर इमेज होगा तो किस तरह कॉन्ट्रास्ट किस तरह सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम में किस तरह थेरेपी के लिए यूज करते हैं और किस तरह हम लोग उसको डायग्नोस्टिक के लिए यूज करते हैं तो अलॉन्ग विद ये दोनों मैंने ईआरसीपी का बता दिया एक डायग्नोस्टिक के लिए जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट हुआ था और हमारा बिलरी ट्री हाईलाइट और एक थेरेपी जिस तरह उसने उसको अगर स्टोन्स वगैरह तो कैसे रिमूव किया था ये दोनों जो है वो हमारे कैमरा के आगे एम्पुला एम्पुला के आगे दोनों डिजाइन की जाती है थेरेपी के लिए अलग चीजें लगी होती हैं और डायग्नोस्टिक के लिए फिर हम उसमें इंजेक्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट वो कैसे होता है